Hi guys, so we are on our way from Bangalore to Goa, and on the way we have found Chitradurga Fort and we decided, हमने सोचा कि हम यहाँ पे होते हुए जाते हैं. हमने ऑनलाइन देखा तो खुला था, तो हमने सोचा हम जो होते हुए जाएंगे. और हम यहाँ आए और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यहाँ का प्रोसीजर कैसा है. तो अगर आपको यहाँ पे टिकट लेनी पड़ती है तो टिकट कुछ 20 रुपीज़ पर हेड है, लेकिन यहाँ पे स्कैनर है तो आते ही स्कैन करना है और ऑनलाइन पेमेंट करना है, फ़ोन पे, गूगल पे, व्हाटएवर, उसके थ्रू. और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जाता है एंड देन वहाँ से एंट्री करनी है. और ये है फोर्ट और हमने यहाँ एंट्री कर दी है फोर्ट में. काफ़ी लोग आए हैं. It is also called the Fort of Seven Circles. और हम यहाँ पे गाइड भी ले सकते हैं, तो अभी हम आए हैं तो हम देखेंगे. यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, किला चित्रदुर्ग, बेंगलोर सर्कल, बेंगलुरु. और ये ऊंचे ऊंचे फोर्ट्स और इतने बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है ये फोर्ट. पहले के टाइम पे कैसे कंस्ट्रक्शन किया होगा. ओह माय गॉड, इतने हैवी रहेंगे ये पत्थर. और इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन, मतलब इतने सालों से. लुक एट दिस, द वे इट इज मेड, इंटैक्ट है इतने सालों से. हालांकि काफ़ी सारे फोर्ट्स जो है अभी सब खत्म होते जा रहे, ख़राब होते जा रहे, क्योंकि मेंटेन नहीं किया जा रहा है. बट इनका फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है. एंड यहाँ पे डस्टबिन का प्रोविजन भी है, विच इज़ अ गुड थिंग. ये काफ़ी नीट एंड क्लीन है. यहाँ पे लोग वैसे तो कचरा करते नहीं हैं. बड़ा है ये फोर्ट, इट्स अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट. और यहाँ पे ये फोर्ट का पूरा मैप दिया हुआ है. हम इस वक्त यहाँ हैं, हमें काफ़ी सारे पॉइंट्स देखने, तो मुझे लगता है एक डेढ़ घंटा तो लग जाएगा और इसलिए हम गाइड लेंगे ताकि हम और जान पाए फोर्ट के बारे में. कुछ इतने बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है. काफी ज्यादा ग्रीनरी भी मेंटेन की हुई है. तो ये है हमारे गाइड. यहाँ पे अरे गाइड चंद्रशेखर जी. और 1 to 5 पर्सन का 400 रुपीज़ होता है. तो हम दो लोग हैं, मैं और सौरभ, तो हमारा 400 रुपीज़ है. तो ये हमें हम पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बताएंगे फोर्ट के बारे में. हाँ जी शुरू सर. हमारा चित्रदुर्ग किला साउथ इंडिया में सेकंड बिगेस्ट फोर्ट है. फर्स्ट वन इन तंजावर में सिंजी बोलते फर्स्ट फोर्ट, सेकंड अवर चित्रदुर्ग फोर्ट बोलते. टोटली सरकमपरस एरिया 32 किलोमीटर सरकमपरस एरिया है. इसका 2500 एकड़ है. आपको पूरा संपूर्ण किला दिखाने के लिए 2 दिन से 3 दिन लगे. उसी में आपको इम्पोर्टेंट प्लेस बता सकते हैं. हमारा चित्रदुर्ग किला टोटली 7 गेट ऐसा वॉल देख रहे हैं ना, 7 वॉल है. आपको इंटरव्यू ना, दिस इज द थर्ड वन है. फर्स्ट एंड सेकंड गेट सिटी के अंदर कब्जा हो गया. सिटी का पीपल इंप्लीमेंट होते होते सभी फोर्ट वाले ग्रह के काले घर बना दिए. सिटी आपको
लोग इनको नहीं दिखा सकते, सिर्फ नाम बता सकते। पहला द्वार का नाम है रंगायन द्वार। ये रंगायन द्वार क्यों बता तो नेरतड़ी गांव में रंगनाथ मंदिर को ये नायक को भगवान का पूजा करते हैं, इसीलिए फर्स्ट गेट रंगायन द्वार। सेकंड गेट का नाम है गारा। गारा पता आपको ब्रिक चूना गोल्ड सीमेंट प्लास्टिंग करो किला को पूरा प्लास्टर करो, वो सेकंड गारा द्वार है। एंड दिस इज द थर्ड वन, इसी के नाम है कामना द्वार। वो 1562 में कामागीति तिम्मण्णा नायक राजाओं ने बनाया, इनके वंश का नाम रखे, इसी के कामना द्वार बोलते। ये थर्ड गेट के बाजू में दीवार के ऊपर शेषनाग का एंट्रेंस है, देखा आपको? नहीं, एंट्रेंस में आप आते समय में दीवार के ऊपर नाग का चित्र बना, सात सिर का शेषनाग। तो शेषनाग क्यों बना? बताओ, आप सातवां गेट कैसे जाना पड़ता है? सीधा रास्ता नहीं देखे, नाग कैसे जाता? जिग-जैग एंट्री है ना, ऐसे देखिए जिग-जैग किला बना। ऐसे जिग-जैग किला क्यों बने? उसके लिए दो रीजन। पहला रीजन देखिए, शत्रुओं का बोर्डे से आती आती से ना पकड़ने के करने हो, ब्रेक पकड़े तो ऐसा द्वार अगला द्वार किधर की पता नहीं चलता, किधर जाना ढूंढना पड़ता। जब हमारा नायक बंदूक लेके छूट कर इधर 60% नहीं मर जाना, पहले रीजन। अभी के इसको दरवाजा उड़न डोर देखिए, इंजन देखिए उड़न डोर। ये द्वार फोड़ने के शत्रु क्या करते, बड़ा खंबा लगा, ये बाहुबली ने देखा ना, ऐसा बाप के मारते देखे। नहीं मारने के लिए बहुत ज्यादा ताकत नहीं, मूवमेंट है, जगह नहीं ना, इसीलिए श्रेष्ठ नाग जी बना सकते। नाग के बाद में गणपति चित्रमणि जितने भी चित्र बने वो किसके बता, इसी द्वार से हमें पूजा करके जाना पड़ गया। फिर दो द्वार, महाद्वार छोटा द्वार। ये महाद्वार खाली राजा महाराज के खुला, बाकी बंद है। एक छोटा द्वार ना कामनपुर जाने देने के दिल्ली द्वार जाते हैं राजा लग। हमारा हमारा लोग ही गंदा करते हैं, हमारा खुद समझना पड़ता है। हमारा खुद का किला है, हमारा खुद का देश है, मेंटेन करना अच्छा रहता है। हमारा नहीं करो गंदा हो जाए। ये देखिए द्वार के पीछे चाबी है, लॉकिंग सिस्टम। ये वुडन डोर था, द्वार के पीछे रस्सी बांधने का, वो रस्सी आके इधर बांध देते, इसे घुमाए तो कनेक्शन होते समय दो ओपन हो जाए, ऐसे इंटरलॉकिंग सिस्टम अभी फिक्स हो गया घुमाने से। Maintaining cleanliness, they are constantly making sure that the fort is being maintained, and you can see that. पलटी मर गया, इसे पत्र पर चढ़ता है मेरे। आप यूट्यूब में शबाज इंडिया में वो एमजीएम देख सकते हैं, वो मंकी राज फेमस था। अभी आपके सामने दिखाते हो वो भी देख सकते। ऑयल मतलब उसी जमाने में करंट नहीं था, उनको करंट मिल गया 1900 में शिवन समुद्र फर्स्ट कर्नाटक को करंट मिल गया। उसी जमाने तक करंट मिले मसाल पूरी दिया लग गया कि स्टोर ऑयल कौन सा क्या स्टोर नीम उसे स्टोर करने के लिए ये छोटा वाला डेली यूज के, वो बड़ा वाला 9 फीट है, ये 4 फीट वो स्टोरेज करने के लिए, ये डेली यूज के लिए इतना ऑयल रखते थे, इतना ऑयल रखते क्योंकि किला को पूरा चाहिए ना रात भर मसाला लगाने के लिए। My God, so much oil they used to keep in store. रात भर मशाल जलाने के लिए। देखिए मैडम, ये दोनों का रखवा रखा है ना सिक्योरिटी का। हाँ। ये वॉच में डालने के लिए। आपको ये डर तो ऐसा पता चलेगा। जिसे तक करती है ना। हाँ। लेकिन मार्किंग, जिसे तक ड्राइनेज सिस्टम है। अच्छा। ये बरसात समय में पानी गिरते रहता है। ऐसा फ्लैट रहते पानी अंदर जाते हैं। ऐसे नहीं जाने के लिए करती है सजर। जब पानी साइड का आना अंदर नहीं जाता। दैट्स वन ड्राइनेज। से बनाए फोर इंच 19 इंच वॉल जैसे नहीं, ये पहाड़ को डेंट करके बनाए, ये पत्थर से भी इसे ऊपर उठा के रखे होते तो फर्स्ट फूट इन द लेयर एक पत्थर लाइन रखना, इसके पीछे क्या करते मट्टी डाल मट्टी रैम्पिंग गेट, अब एक पत्थर फोड़ लेंगे हाथ इसे डकल डकल के देख ले रखें, फिर मट्टी डाल फिर पत्थर रखें फिर मट्टी डाल इसके पीछे मट्टी, जब फिरेंगे तोप से मार तो पत्थर को लग दो इसके फोर से भी मट्टी में घुस जाए, इसलिए सेंटर बॉल पड़ के खुला नहीं हिला सकते। ये लाइटिंग है काली रंग में लाइट चौथी।
अंदर नहीं छोड़ते, बाहर ही देखना। अच्छा, बाहर तो दिखता है लेकिन देखते हैं। देखिए फिर भी मार्क देते हैं, जा रहे हैं। एक गेट नंबर 4, इसी के नाम है विश चाकू द्वार। विश चाकू द्वार मतलब उड़न डोर के सामने पॉइजन नेल्स मारते हैं। ओ दरवाजे के सामने राउंड जैसा पूरा। अभी द्वार के सामने हमें ऐसा लगाते ना डिजाइन के लिए, तो क्या करो इतना लंबा वाला नेखा मारते नेल्स मारते चलो क्या करो दरवाजा फोड़ने का आप इसे धक्का देते ये पॉइजन लेकर ना टच करके पूरी मर जाने ठीक है। विष चाकू द्वार, विष चाकू द्वार। ये पत्थर डोर है, एक ही फिरंग से पूरा डोर फूट सकते टूट सकते। लकड़ी के डोर का तो खोलना पड़ता है, पूरा डोर नहीं फूट सकते। इसी के लिए इधर थोड़ा अच्छा ना बंदूक थोड़ा वेस्ट करना पड़ता है, मेक वुडन डोर। सी टू ऑल्सो देयर ऑलरेडी सिटिंग। उसी जमाने दिया रखते थे, अभी आउल बैठे उनका जगह हो। Look at the parrot. मना देख सकते हैं मेरा। आते हैं पुरील सभी बिस्किट वगैरह मिलते हैं। उसके लिए बैठे ये तो आते हैं आप। ये देखिए आपको बोल दूँ तेरे छोटे का बोल। हाँ। वो किससे है तो? ये फोटो बनाने के, मंदिर बनाने के, रास्ता बनाने के, दूसरे काम से पत्थर नहीं लगे। इसी पत्थर फोड़ने के यहीं से बने। तो हम कैसे कट करते हैं? तो होल बना के इसी के अंदर गर्म पानी हॉट वाटर छोड़ जब पत्थर क्रैक हो पहले दिन। अभी एक रीजन होल बन के उसको वुडन स्टिक करते बैम्बू मार के पानी डाले तो एक्सपेंड होता जब पत्थर क्रैक हो। अभी एक रीजन होल बन के उसके अंदर मेकअप होता चिजल मार के हार्म से कट कर, कट करने के बाद में फोटो मंदिर रास्ता बनाता तो बोल सकते इसी को कटिंग एज टेक्नोलॉजी। यही पत्थर लेने का यहीं से बनने कोई आने के लिए देख लिया आगे आए तो पीछे नहीं जाना। इसका किले के अंदर 20 से 30 वॉच टावर, 20 से 30 ये सप्तम 2500 है, 32 किलोमीटर सप्तम पर सेवे। बट अभी भी उतना ही है। उतना ही, 150 हो जाए। क्या बोलते? 1500 1500 ढाई हजार। हाँ, 1000 कम हो गया। अच्छा। सिटी इम्प्रूवमेंट में हो गया ना मैडम? हाँ। थोड़ा बचा है। ये बरसात पानी वेस्ट नहीं करते। क्या करते? फोर्ट के सामने अंदर को स्पंज, वो पानी जो है उसका स्टोरेज करते। उसी के अंदर क्या करते? मगरमच्छ, फिशर, पॉइजन स्टोर करते। ड्राइनेज सिस्टम वो प्लास्टिक के देखिए कॉर्नर में थोड़ा बचा ब्लैक वाल। द्वार के पीछे छोटे छोटे बेल लगा
शत्रु क्या करते हैं, सामने से कुछ भी पता नहीं चले इसे टच कर जाएंगे, अलार्म में बज जाएंगे जब अलर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अलार्म सिस्टम। घंटी द्वार देखिए, एक ही लाख एक ही राजा ने एक ही टाइम पे नहीं बना, अलग अलग राजा ने अलग अलग तरीके से बना। फर्स्ट एक किला शुरू किए चार शतक फोर्थ सेंचुरी, शातवान पता है चंद्रगुप्त मौर्य अशोक उसने से शुरू किया, शातवानास कदम्बास वनवासी बाद में चालुक्या राष्ट्रकूटास चोलास पल्लवास आफ्टर देन वहीसला आफ्टर देन विजयनगर रूलिंग किया। ये विजयनगर तक नायक को उनको लगन थे समझू टैक्स उसके अंडर में विजयनगर पतन होता है। देखिए 1565 में बहुमानी सुल्तान हरा देता जब इधर का नायक लोग महीनों राजा का तो इंडी पर रूलिंग करता है 1660 to 1717 हेलो हेलो कोई नो
आप आराम से बैठ के ये सब बोल रहे नहीं, नेक्स्ट फॉर हर किसी को शार्दुल देखो तो दो मछली के सिंबल है उसी का अर्थ क्या करो एक मछली होता सीधा रास्ता दिखाने की दो मछली होते इधर आजू बाजू में पानी मिलते वाटर अवेलेबल साइन बोर्ड है चित्रदुर्ग नाम है किसी का पहला नाम चित्रदुर्ग नाम है किसी का पहला नाम है सूलगल्लु मतलब ज्वालामुखी से पत्थर जला के आगे ना सूलगल्लु बेम्मतना कल्लु किडंबी पतन इस बार के उसी इसका नाम है चित्रदुर्ग बोल उनको चित्र विचित्र बात नहीं करते किसी पत्थर गेस करो एक आकृति इसीलिए चित्र जाके चित्र हो गया दुर्ग मतलब किला तो दुर्ग बोलते फॉर एग्जाम्पल गंधकालूर बेंगलुरु महिषासुर मैसूर हूबली हुबली देवनगरी दावणगेरे जस्ट लाइक ए पिक्चर फुट इसीलिए चित्र दुर्ग शिव का परम भक्त ने शिवलिंग स्थापन करके पूजा करके रखा गया इसलिए हिरणदेश्वर मंदिर हो इसके ऊपर गए चित्रदुर्ग पहाड़ के ऊपर की बात होती है
कोई भी पहला आदमी ऊपर जाके टच करके नीचे आते उसको कनेक्ट करते ठीक है जी कटाएं जी कटाएं। सभी राजा ने जमाने में काइन पैसे काइन प्रिंट करते थे गोल्ड कॉपर सिल्वर लेदर ऐसा मनी प्रिंट करने के जगह और पाकशाला के बाद में रखने का जगह चाहे ना ट्रेजरी उसी जमाने ब्यूरो के लाखों कुछ मिले 60 बाहर से लोग आए तो देखे तो मंदिर बट उसी के अंदर उसी के नीचे पैसा रखे बहुत पता है 10 फीट कटा है देखे तो पैसा नहीं हर एक कटा देख सकते इस तरह पैसा पड़ा है तो घोड़े के पैर के नीचे लाल हाफ शू बोलते हैं पत्थर को रखा तो स्टिप होता है ऐसा नहीं स्टिप ना ग्रिप से बनाते ऐसे ग्रिप से बना के रखा जाए बड़ी बहन छोटी बहन के टैंक होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये बड़ी बहन छोटी बहन के टैंक नहीं था रेन वाटर बरसात पानी स्टोरेज करने का जगह बड़ी बहन छोटी बहन नाम कैसा आया करते तो राजा लोगों को दोनों पत्नी पत्नी मना करते हैं पंदरम मना करते हैं 1778 में पानेगर पत्नी होने के पास में पति मना करते हैं सत्य सर मना करते हैं इसके लिए बड़ी बहन छोटी बहन बलिदान दिए छोटी बहन छोटी बहन बलिदान दिए इसके लिए बड़ी बहन छोटी बहन का नाम आया है उनका क्या दिया रखने का जगह बोलते हैं ऊपर एक मंदिर है गोपाल कृष्ण भगवान का मंदिर रखा है काशीश्वर हनुमान जी और किला के अंदर राज्य काशों को जगह को दिखा देते जब हैदराबाद सर को किंडी साथी से मैंने इधर एक साधारण सोल्जर की वाइफ थी वो औरत का नाम है ओ बोलवा उसके हस्बैंड का नाम है मद्द हनुमान महम्मद पनाय ये देखिए उनके घर है ये ओ बो का घर है उनके घर घर का पति काम करने की जगह
Okay, so tell me, what is happening? Okay, I'm gonna show you. जैसा है और आपको लाइट दिख रही है, होल दिख रहा है छोटा सा, वहां से एनिमी एंटर कर रहे हैं और यहाँ पे यहाँ पे ओबावा ने बैठ के यानी ओबावा ने बैठ के शत्रु को अंदर आने से रोका था। ओके ओह माय गॉड ओके यू हैव टू टेल द स्टोरी टू मी मेरा टेक पॉइंट तो यानी ओबावा ने ऐसा क्यों किया क्योंकि क्योंकि उनके पति जो है वो दोपहर का लंच करने के लिए आए थे और फिर वो खाना खा के पानी नहीं था उनको पीने के लिए, तो ऊपर जो कोल्ड वाटर वाली जगह थी वहां से पानी लेके आ रहे थे और वो हस्बैंड खाना खा रहे थे। तो पहले के जमाने में अगर हस्बैंड को खाना खाने से या सोने से उठाओगे तो उनकी उम्र कम हो जाती थी, इसलिए रानी ओबावा ने सोचा कि मैं खुद ही कंट्रोल करूँगी, हैंडल करूँगी। तो जो मसाले रहते हैं, स्पाइसेस रहते हैं किचन के, वो लेके उन्होंने सोल्जर्स पे अटैक किया और यहाँ से कैसे किया यहाँ से ऊपर आते आते सर पे, मतलब मुझे तो मतलब बहुत पतला होना पड़ेगा इसके। ओके दीप्ति ऊपर नहीं आ सकी है एक्चुअल में, ये हमारे बिहाइंड द सीन्स भी जानने वाला है। सो दीप्ति वापस जा रही है, पीछे जा रही है, अंदर वापस आ रही है। एक और बार ट्राई करूंगी, एक और बार ट्राई करेगी दीप्ति। आई डोंट गिव अप, आई वोंट गिव अप। तो मुझे मेरे जूते वगैरह निकालने पड़ेंगे क्योंकि जो है फिसल रहे मेरे जूते, ग्रिप नहीं मिल रहा मुझे। बाटा जिंदाबाद, बट नॉट हियर। एक ओके सब निकाल दिए, अब हम ट्राई करेंगे, कोशिश कर। हां जी योगा काम आ रहा है। चलो 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 आ जाओ। इंसानों ने यहाँ गंद भजा रखी है, इतना सुंदर सा ठंडा ठंडा व्यू देखो और घर से पूरा उंगली जाने का रास्ता व्यू दिख रहा है।